नृत्य जगत के कलाकारों ने अपने अथक प्रयासों से इस कला को एक विशेष स्थान दिलवाया और आज तभी विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला भी सीखते हैं। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना श्रीमती गीता चंद्रन जी का। गीता जी ने एक मध्यम परिवार में जन्म लिया। पढ़ाई में बेहद रुचि रखने के बाद भी नृत्य के प्रति अपने लगाव को नहीं छोड़ पाई। गीता जी ने गणितीय सांख्यिकी विषय में दिल्ली कॉलेज से स्नातक की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स करने के बाद एक वर्ष रिसर्च किया, परंतु कहीं ना कहीं उनके अंदर का कलाकार उन्हें समय समय पर आवाज देता रहता। भरतनाट्यम में पारंगत हुई। उनकी इस यात्रा में उनको साथ मिलता रहा उनके पति श्री राजीव चंद्रन जी का। गीता जी ने अपनी बायोग्राफी में कहा भी है, राजीव का साथ मेरे पूरे सफर को आसान करता रहा। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट एवरी सक्सेसफुल गीता देयर इज अ राजीव। कला जगत में अपने भरपूर योगदान के लिए 2007 में पद्मश्री और न जाने कितने ही पुरस्कारों से समय समय पर उन्हें नवाजा गया। आज नृत्य मनोरंजन का साधन नहीं, सीबीएसई द्वारा हर विषय के साथ इसे जोड़ा जाने लगा। मैंने भी आज नृत्यों के दो आवश्यक स्तंभों रस और भाव को छूने का प्रयास किया है। भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं, अनुकूल परिस्थिति होते ही यह जागृत हो जाते हैं। भावों से रसों की उत्पत्ति होती है। द डांसर्स ओरिजिनेट रसाज थ्रू भावा एंड देयरफॉर रसा हैव बीन कंसिडर्ड सबॉर्डिनेट टू भावा। द मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज भावा। द आर्टिस्ट हु इज एबल टू प्रोड्यूस दिस मेंटल स्टेट स्विफ्टली कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेंट। अर्थात एक नर्तक भावों के द्वारा रसों की उत्पत्ति। माना गया है किसी भी स्थिति को भाव कहा जाता है और इन्हीं भावों को पैदा करने के लिए मानसिक स्थिति को सक्षम माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है यथो हस्ता तथो दृष्टि, यथो दृष्टि तथो मना, यथो मना तथो भावा तथो रसा। यदि हम अन्य विषयों के साथ भाव और भावों से उत्पन्न होने वाले रसों की बात करते हैं तो पाठ्यक्रमों में रसों का समागम जरूरी है। नवरसों की अगर हम बात करें तो रसों के राजा श्रृंगार रस के लिए किसी भी कविता की दो पंक्तियां भी हम नृत्य के साथ बोले तो विद्यार्थियों को भी लंबे समय तक याद रहेंगी। मैं हिंदी डिपार्टमेंट से अपनी साथी कोमल मैम से ये दरख्वास्त करूंगी कि वे कवि किसी भी कविता या दोहे की दो पंक्तियां बोलें और बताएं श्रृंगार रस के बारे में। धन्यवाद कविता मैम, प्रधानाचार्य महोदया को मेरा अभिवादन। इसके साथ ही सिस्टर स्कूल्स के प्रधानाचार्य वीपी मैम, अमिता मैम, विनया मैम और सारिका मैम को मेरा अभिवादन। आपने बिल्कुल ठीक कहा कविता मैम, और कविता के माध्यम से जब हम रसों को पढ़ाते हैं तो वह एक अलग ही दुनिया होती है। और बिहारी कवि का यह दोहा अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण है। प्रस्तुत है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। धन्यवाद। जी हाँ, बिहारी जी द्वारा रचित यह पंक्तियां आसानी से विद्यार्थियों को नृत्य के साथ याद कर सकते हैं। थैंक यू कोमल मैम। यह मैं जरूर कहना चाहूंगी किसी भी कागज पर लिखे हुए अक्षरों को संगीत देकर उस पर नृत्य कर एक नर्तक उन शब्दों को लंबे समय तक जीवित रख सकता है। इसका जीवंत उदाहरण बॉलीवुड या हमारे मंच है। ऐसे ही वीर रस में लिखी एक कविता बॉलीवुड का यादगार गीत बन गई। मैं संगीत डिपार्टमेंट के एचओडी प्रदीप पल्लवी सर से ये दरख्वास्त करूंगी कि वह हम सबको बताएं वो वीर रस में डूबी हुई कविता कौन सी है। थैंक यू कविता मैम।
सभी को मेरा नमस्कार जो आज की इस ऑनलाइन सभा में एकत्रित हुए हैं। प्रिंसिपल मैम, सिस्टर ब्रांच के प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, सिस्टर ब्रांच के सभी वाइस प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, एचएम मैम और इस सभा से जुड़े हुए सभी टीचर्स को मेरा एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि कविता मैम ने बताया कि वीर रस की कविता जो क्लास टेंथ में पाठ्यक्रम में जोड़ी गई थी एनसीईआरटी ने, और अगर हम कविता या गीत के माध्यम से बच्चों को कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, तो उन बच्चों को वो चीज़ें लंबे समय तक याद रह जाती हैं। मुझे याद है ऐसी बहुत सी कविताएं, जैसे हमारे मरहूम गोपाल दास नीरज जी की थी कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, उसको भी फिल्म में लेकर के इस गीत को बहुत ही प्रचलित किया। साहिल लुधियानवी साहब की बहुत सी ऐसी गजलें, बहुत सी ऐसी नज़में, बहुत से ऐसे गीत जो फिल्म से जुड़े हुए थे, और मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ मरहूम कैफी आज़मी साहब को। कैफी आज़मी साहब का गीत लिखा हुआ 1962 में जब उन्होंने इस गीत को लिखा तो ये एक यादगार गीत बन गया। चेतन आनंद साहब ने अपनी फिल्म में इस गीत को लेकर देशभक्ति की एक मिसाल कायम की, और वो गीत था ये जब हमारे 1962 में हिंदुस्तान और चीन के साथ युद्ध हुआ था, तब ये ऐतिहासिक गीत कैफी आज़मी साहब ने लिखा था। गीत ये था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी पंक्तियां कैफी आज़मी साहब ने लिखी थी। जैसे इस गीत में एक लाइन आती है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज हर देश में आतंकवाद का पैर पसरा हुआ है, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, अगर वो दिन दूर नहीं है जब हमारा बच्चा बच्चा इस देश में महाशक्ति बनकर उभरेगा। इसी तरह से इसी गाने में वीर रस के साथ ही एक पंक्ति और लिखी थी कैफी आज़मी साहब ने, मैं चाहता हूँ कविता मैडम उस पर एक्शन करके दिखाएं तो ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा। कविता मैम, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तो इस तरह के गाने अगर हम बच्चों को सिखाएं तो उनको लंबे समय तक याद रह जाएंगे। धन्यवाद कविता मैम। जी हाँ, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। थैंक यू पल्लवी सर। कैफी आज़मी साहब द्वारा रचित यह कविता संगीत में ढलने के बाद एक यादगार गीत बन गई। इसी तरह इतिहास के विषय को नृत्य के साथ अगर हम जोड़ें तो कई कहानियों का मंचन कर उन्हें हम विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद करा सकते हैं, जैसे भक्ति काल से मीरा, मुगल काल से अकबरनामा, पद्मावत, रजिया सुल्तान आदि। इन सब से हम कक्षा में पढ़ाई गई इतिहास के विषय को रुचिकर बना सकेंगे और आसानी से हम सब इन कालों को, प्राचीन काल, भक्ति काल, मुगल काल और आधुनिक काल को अलग अलग पहचान पाएंगे। प्राचीन काल में देवदासी मंदिरों में नृत्य करती थी, भक्ति काल में देवी देवताओं के रूप रखकर उनकी कहानियों पर नृत्य होने लगा,
मुगल काल में मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य दरबारों में पहुंचा। इसमें अगर हम कथक नृत्य की बात करें तो इसमें फुटवर्क यानी पथ संचालन, स्पिन्स यानी चक्कर, एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव पर ज्यादा असर दिखा। जैसे भरतनाट्यम नृत्य में पद संचालन, ओडिसी नृत्य में चेहरे की भाव भंगिमाओं पर असर ज्यादा दिखता है। ब्रिटिश काल के बाद घरानों की शुरुआत हुई, लखनऊ, जयपुर, बनारस घराने आदि। अगर हम लखनऊ घराने की बात करें तो लखनऊ घराने की शुरुआत बिंदादी महाराज जी ने की, जो कि 19वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह के साथ दरबार में आए। यह घराना नजाकत और अभिनय के लिए जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज जी इसी घराने के रत्न कहलाते हैं। जयपुर घराना राजपूती दरबारों से शुरू हुआ। इसमें पद संचालन पर ज्यादा जोर डाला जाता है और ताल के लिए पखावज का प्रयोग किया जाता है। श्री राजेंद्र गंगानी जी इसी घराने से ताल्लुक रखते हैं। बनारस घराने में नृत्य देवी देवताओं की कहानियों पर आधारित होता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान के सभी सरकारों द्वारा संगीत एवं नृत्य के विद्यालयों की शुरुआत की गई। पंडित बिरजू महाराज, राजेंद्र गंगानी, गीता चंद्रन, सोनल मानसिंह जैसे कई कलाकारों ने नृत्य को ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाया। आज हर विद्यालय की यह भरसक कोशिश होती है कि उनके विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ इन कलाओं को भी सीखे। बाल भारती नोएडा का प्रांगण ऐसे ही न जाने कितने ही विद्यार्थियों की कार्यकुशलता को देख चुका है और इतिहास से उठाए गए विषय आम्रपाली, पद्मावत, मीरा, द्रौपदी और नवरस जाने कितने ही नाटकों का मंचन कर चुका है। मैं अगर बात इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटती हूँ तो मुझे चारवी गुसाई, सूरज शंकर, क्रिस्टल जोहेनस, विशिका जाने कितने ही बच्चे, इन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई। इन इतिहास के इन कलाकारों ने भी हमारे छोटे छोटे इन अन्य कलाकारों ने भी हमारे प्रांगण को सुशोभित किया। मैं आज मिलाना चाहती हूँ आपको चारवी गुसाई और सूरज से। विज्ञान विषय के विद्यार्थी होने के बाद भी ये दोनों नृत्य से अपना लगाव नहीं छोड़ पाए। Still makes me happy.
thank you, Bhai Bharti, for teaching me how to manage things and how to prioritize. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank our principal ma'am, Ms. Sasha Prabhakar ma'am, and all of the people who have given me this opportunity. So, I passed out from Balbharati in 2013. Okay, and if I talk about my life in Balbharati, it was full of ups and downs. ठीक है क्योंकि तुम कुछ बड़ा करते हो तो ups and downs तो आते हैं. Starting from 2009, the first dance opportunity which Balbharati gave me, then from there to Commonwealth Games, be it annual day performances, becoming the winner of Dance NCR Dance, then the best dancer of the school. So during all these times, yes, it was difficult for me to take dance and studies together, but it never was that difficult because of the support which I got from my teachers and friends. Yes, कुछ लोग थे जो बोलते थे कि ये डांस वांस तुम्हें कहीं लेके जाएगा, तुम स्टडीज पे ध्यान दो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है. बट आज भी शायद अगर मुझे लगता है, अगर कोई मुझे याद करता है बालभारती में, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय डांस. दैट डिसीजन व्हिच आई टुक इन माय स्कूल, इसी कारण आज आफ्टर स्कूल व्हेन आई स्टार्टेड माय मर्चेंटरी करियर आफ्टर 7 to 8 इयर्स, वो छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करने का एक जो स्ट्रेंथ मिला है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन. आज मैं अपना सब जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहा हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर व्हाट आई एम डूइंग. सेम इट वाज हाउ आई वाज हैप्पी व्हेन आई वाज डूइंग डांस. देन आई रियलाइज्ड हाउ इंटीग्रल दिस डांस इज एज इट इज अ पार्ट ऑफ माय डीएनए. सो आई वुड लाइक टू टेक माय डांस एंड माय करियर टुगेदर सो दिस बिजनेस इज दैट थिंग. सो फॉर एवरीथिंग आई वुड लाइक टू थैंक माय बालभारती एंड माय टीचर्स माय फ्रेंड्स फॉर व्हाट आई एम टुडे. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बालभारती. Thank you for the person whom I am today, for making me the person whom I am today. Thank you. Thanks a lot, Balbharati, and all my friends and teachers. Love you all. Thank you, Charvi and Suraj. Balbharati, sadaiv tumhare ujjwal bhavishya ki kamna karta rahega. Yahan main sarana karna chahungi प्रिंसिपल आशा प्रभाकर मैम की पारखी नजरों की, जिन्होंने इन विद्यार्थियों के अंदर उस कलाकार की परछाई को भी देख लिया. नृत्य के अनेक रूप, कहीं शौक कहीं व्यायाम, मन में खुशी तन में स्फूर्ति, नृत्य डाल दे सब में जान, हृदय में जिसके नृत्य भरा था, घुंघरू भी गुलाम हो गए उसके, फिर क्या बिसात थी कदमों की जो थिरकने से रुक पाती. मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए आमंत्रित करूंगी अपने साथी स्वपन मजुमदार को कि वह नृत्य के विषय में कुछ और जानकारी दे. धन्यवाद. थैंक यू कविता मैम. नमस्कार ऑल ऑफ यू. आई फील ग्रेट प्लेजर एंड प्राइड टू हैव बीन गिवन अ चांस टू शेयर समथिंग फ्रॉम माय फील्ड ऑफ वर्क. डांस, डांस का नाम सुनते ही बहुत लोगों से ऐसा एक्सप्रेशन निकलता है, पर मैं आपको बताऊं, हम सभी डांस करते हैं. एवरीवन, ईच एंड वन पर्सन अ डांसर. लेट मी एक्सप्लेन. डांस हैज बीन सेग्रीगेटेड इन 3 N, N एंड N, नाट्य, नृत्य एंड नित्य. द फर्स्ट इज नित्य. नित्य इन द सेंस, नित्य काम जो हम करते हैं, रेगुलर वर्क हम जो करते हैं, बर्तन धोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, चलना, घूमना, एक्सरसाइजेस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो तरीका, ये मेरा नित्य काम का तरीका है. यानी जहां मूवमेंट है, जहां मूवमेंट है वो डांस है. सेकेंड, नाट्य. नाट्य इन द सेंस एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, आपका फेस का एक्सप्रेशन है, बॉडी एक्सप्रेशन, एंड आप जो बोल रहे हैं उसका भी एक्सप्रेशन होता है. ए यू, ये हाथ पैर, ये जो हम एक्सप्रेशन हर चीज को मिलाकर एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं जिस कॉल बॉडी लैंग्वेज, वो भी एक एक्सप्रेशन है. और मैं आपको बताऊं बिंग अ टीचर, कि टीचर से अच्छा एक्सप्रेशन कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि एक दिन में अगर एक टीचर 7 क्लास में
क्लास करवाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 350 बच्चों को वो एक दिन में एक्सप्रेस कर रहा है अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपना पढ़ाने का स्टाइल। तो एक्सप्रेशन सीखना है तो एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट मुझे भी टीचरों से ही सीखना चाहिए। एंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज नृत्य, द टेक्निकल पार्ट ऑफ डांस। टेक्निकल पार्ट ऑफ डांस में हम क्या सीखते हैं, द ग्रामर, ग्रामेटिकल पार्ट उसका, थियोरेटिकल पार्ट एंड टेक्निकल पार्ट। इन तीनों से आप थोड़ा दूर है मैं समझ सकता हूँ, और रहना भी चाहिए वरना मैं क्या करूंगा। तो इन सब चीजों में भी बहुत सारी हम टर्म्स यूज करते हैं, जैसे स्पेस, विजन, स्पीड, बीट, सर्कल, बॉडी शेप, एंगल, काउंटिंग, फोर्स एंड एनर्जी। जब मैं ये टर्म्स की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली हमारे साइंस के टीचर्स और मैथ्स के टीचर्स ये सोच रहे हैं ये तो हमारी टर्म्स की, हमारी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये डांस की पढ़ाई है। डांस में ये सब चीजों को हम इस्तेमाल करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपना डांस शोकेस करते हैं। नाउ अगर हम भाग और विभाग की बात करें तो हमारा ब्रेन भी दो पार्ट में है, और हम लेफ्ट और राइट के काम को सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग। साइंस ये बोलता है लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्रेन है, लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो करता है साइंस, मैथ, यानी टेक्निकल काम ज्यादा करता है, टेक्निकल सोचता है ये। एंड द लेफ्ट पार्ट डांस, आर्ट, लिटरेचर, क्रिएटिविटी को लेके ज्यादा सोचता है, क्रिएटिव। ये सीबीएसई का जो सोच है कि आर्ट इंटीग्रेट करना, मतलब डांस के साथ किसी भी आर्ट के साथ सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करना, इसके मैं खुद भी सीबीएसई को इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है थ्रू दिस। एंड इसके जरिए जो बच्चे हमारे अपकमिंग बच्चे जो अब उनकी जो अपग्रेडेशन होगी वो इक्वल राइट एंड लेफ्ट ब्रेन इक्वली ले जाकर उनकी अपग्रेडेशन होगी, वो एक अलग किस्म से ग्रूम करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर सोसाइटी और समाज। नाउ I would like to begin my presentation quoting by Kabir Das ji's subject Hindi. से कहूंगा उमेश मैम इफ यू कैन एक्सप्लेन। हां जी सर, क्या बोलना चाहा इधर? धन्यवाद स्वप्न सर, सभा में उपस्थित बाल भारती विद्यालय के विभिन्न शाखाओं के सभी गणमान्य महानुभावों को मेरा करबद्ध नमस्कार। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। जिस तरह से अगर हम पानी के विशाल भंडार में घड़े को भरते हैं और अगर वह घड़ा उसमें फूट जाता है
तो जल सारा मेल हो जाता है, वो जल और कुंभ का जल एक हो जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर में आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, उसके बाद आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने सही बोला है, मैंने भी यही लिखा है। बट दिस दोहा इज नॉट जस्ट सम ऑर्डिनरी हिंदी पोइट्री बट इट इज बट इट्स एक्चुअली द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। दिस इज व्हाट टीचिंग वी टीचिंग एज परफॉर्मिंग आवर टीचर इन आवर स्कूल टू आवर स्टूडेंट्स। एक्सप्रेशन, फीलिंग, रिलेशन, लव, लाइफ। Let's move towards why dance is important to us. Dance important क्यों है? आज dance का जो definition है वो change हो गया है। Dance is not कि मैं नाचूंगा, आप entertained होंगे और चले जाएंगे, सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। बड़े बड़े companies में, MNCs में मैंने सुना है, मेरे friends ने भी मुझे बोला है और मैंने एक documentary में भी देखा है कि उनके वहाँ एक अलग से room होता है जिसमें म्यूजिक सिस्टम लगा रहता है और जैसे कोई फील करता है कि उसको टेंशन हो रहा है किसी काम को लेकर और बॉस से कुछ डांट बांट पड़ जाती है, वो जाते हैं और म्यूजिक ऑन करते हैं, 10-15 मिनट जम के डांस करते हैं और वापस आ जाते हैं, अपना एंजाइटी, अपना टेंशन, अपना सब कुछ फेंक कर उधर आकर उसी एनर्जी के साथ काम पे लग जाते हैं। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये उन्होंने एक थेरेपी के हिसाब से एक ट्रीटमेंट का रास्ता बना लिया है कि भाई टेंशन दूर करो एंड अपना काम पूरा करो। मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, प्लीज हैव अ लुक। फर्स्ट, डांस कीप्स बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग। सेकंड, डांस बिल्ड्स एंड टोन्स मसल्स एंड इंप्रूव पोस्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्पिंग पीपल स्टे एक्टिव एंड मोबाइल for a longer period in life. Third, dance builds stamina and strength, making it easier to perform and strenuous activities. Fourth, dance strengthens balance and stability, preventing falls. Fifth, dance promotes heart health, prevents obesity and diabetes as it burns fats and energy. Sixth, dance gives happiness and lifts spirit. It is a mood enhancer and excellent for mental health and fitness. It can steer people away from depression and mental illness. Seventh, dance keeps mind sharp and alert. Eighth, dance promotes motor function and motor skills as moving different parts of the body at the same time requires perfect coordination and that is executed by the brain. Excuse me, sir. You are on mute. Sorry. You all must have questioned that why I used yogasana postures instead of dance postures. Yogasana is the mother of dance form, all dance form. As Odissi is the purest classical dance form, which is originated from Gotipo. ओडिसी और गोटीपो, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसके पहले ये कहानी महारी से चली आ रही है। महारी देन देवदासी एंड देवदासी को देखकर वहां के जो लड़के थे गोटीपो डांस को तैयार किया एंड देन
गोटीपुर को जब इतना इतना वाव फैक्टर था उसमें, देखने के बाद बड़े बड़े गुरु लोगों ने गोटीपुओ को रिफाइन करना चालू किया एंड उसके बाद ये ओडिसी बनाया। कुछ मेरे पास पिक्चर्स हैं, देखिए जरा। गोटीपुओ में ये सारे जो बच्चे हैं ये सब लड़के हैं बेसिकली, और ये सब योगासन के पोस्टर्स में है। एंड एंड इसी का ये प्योर फॉर्म जब निकल के आया डांस फॉर्म ओडिसी। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स फैकल्टी। प्लीज सी द बॉडी पोस्चर एंड नेम द मैथमेटिकल शेप रिलेटेड विद इट। दिस इज पैराबोला। सर ये पैराबोला है, बिल्कुल सही। मैं इसीलिए मैथमेटिकल बेस शेप को बोलने के लिए बोला है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये सेमी सर्कल। ऑलराइट, दैट्स और डी सेमी सर्कल और डी। सर एनीवन? सर सर्कल। दिस इज सीम्स टू बी सर्कल, इज नॉट अ सर्कल एग्जैक्ट सर्कल बट सीम्स टू बी अ सर्कल। हां मैं अपने डांस टर्म में इसको सर्कल बोलूंगा। पूरा बॉडी ऐसे 360 डिग्री में आ गया है। आप हाथ को देख रहे हैं इसीलिए आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। मैं पूरे बॉडी को देख रहा हूं। सर यस यू कैन से दिस इज अ सर्कल। दिस इज अ दिस इज जस्ट लाइक इलिप्स। इलिप्स इलिप्स मैथमेटिक्स में वी कैन से इलिप्स और ओवल वी कैन से, दैट्स करेक्ट। ठीक है, आपके मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ भी हो सकता है सर। आई एम नॉट अ मैथ टीचर बट मैं मैथमेटिकल शेप को अपने टर्म्स में कैसे यूज कर रहा हूं मैं ये भी बता रहा हूं। सी सर ट्रायंगल, this is you can say 90 degree or we can say the reflex angle or obtuse angle this Bilkul. Boy can yes bilkul isme 90 degree bhi hai, so 90 degree yes last 180 degrees straight angle yeah this is straight angle 180 degree or yeah, parallel thank lines you, sir. You thank can you, say hmm. Now we can see some more video which is easily related with maths बट पहले वीडियो देखते हैं फिर बट का आंसर आता है। ये जो स्टाइल है ना उसको कंटेंपरेरी रूप में क्लासिकल फॉर्म के साथ नहीं बोल सकते, क्रिएटिव क्रिएट करते हैं बच्चे, रिएक्ट भी करते हैं इसके साथ बहुत जल्दी। Since I am not well versed with the technical terms of physics, I would like to call Anshul sir to explain the physics terms of physics. Anshul sir, good evening everyone. Here we can see in the first video, the first final image is this. This posture is only possible when the force, net force on both the body must be zero. Let's explain how it is zero. Suppose A is a point where two bodies connected as shown in the first video and this image, and where weight of the body, we know that weight of the body acts downwards. Here F1 is the applied force by the first body, leg of first body, and R1 is the reaction force of surface. Similarly, F2 is the applied force by the right leg and R2 is the reaction force of surface. Hence, net force of F1, F2, R1 and R2 balances the weight of both the bodies such that
net force on both of them must be zero. Hence, both of them remain stable for some time. Thank you. Rani ma'am, Swati ma'am, agar aap aur kuch isme कुछ और बोलना चाहते हैं इसके बारे में और कुछ डालना चाहते हैं इसमें कुछ और तरीके से समझाना चाहते हैं तो आल्सो वेलकम. गुड इवनिंग एवरीवन. Sir, absolutely fine explanation given by Anshul sir. I don't think so that anything point has been left which we are supposed to add. Thank you so much Anshul sir for a wonderful explanation. Thank you ma'am. Let's see some more video which is related to physics. Go. ये जो वीडियो अभी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ये कोई एक्सरसाइजेस नहीं है, ये प्योर छव मूवमेंट है, ये छव डांस के मूवमेंट है, प्योर मूवमेंट. हम ये सब यूज करते हैं डांस के लिए, एक्सरसाइज के लिए नहीं. सी, इसीलिए मैं क्लास में बच्चों को जंप करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है मूवमेंट कैसे निकालना है उनसे. These two videos can easily explain the concept of physics, which is angular momentum. Go. One, two, three. Similarly, I can relate these two videos with rotational motion about a fixed axis plus rotational plus translation plus circular motion respectively. Now I would like to present the last video that will conclude my presentation. Subject, Hindi, concept, science. भरती है नारिया जल भरती है नारिया जल भरती है Let us smell. Test. Yes, Umesh ma'am. कबीर. हाँ जी सर, कबीर दास जी. हाँ जी, धन्यवाद सर. इसमें हम ये बात बताना चाह रहे हैं कबीर दास जी कि जब आत्मा शरीर धारण करने के लिए गर्भ में प्रविष्ट करती है तो उसे पांच तत्वों के साथ साथ पांच इंद्रियों की भी आवश्यकता होती है. पांच इंद्रियां जो आपने बताई वही पांच इंद्रियां हैं, आंख, मुंह, कान, है ना, त्वचा, है ना, ये फाइव सेंस ऑर्गन्स जो हैं इन सब की आवश्यकता पड़ती है. और थैंक यू मैम. हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद. ये जो आपने यूज किया उसके लिए थैंक यू बोला. ऑर्गन, जब मैं ऑर्गन बोलता हूँ तो ये बायोलॉजी जुड़ जाता है. ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कबीर कब बोल के गए. लेकिन मैं इसको फिजिक्स के साथ भी जोड़ सकता हूँ अगर इनोवेटिव वे में देखा जाए तो. मैं इसको फिजिक्स के साथ भी जोड़ सकता हूं. सुनना है ना, बीट सुनना है. हमें क्या चाहिए इसके लिए? देखना है, विजन,
रिफ्लेक्ट करता है वो विजन फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए बोलने के लिए बोलना मैंने वहां टेस्ट बताया था टेस्ट हमारे जुबान में भी टेस्ट है द वे वी पीपल आर टॉकिंग उसमें भी टेस्ट है कोई बहुत तीखा बोलता है कोई बहुत खट्टा बोलता है बहुत मीठा बोलता है इसमें भी टेस्ट है सो बोलने में फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन एंड टच फिर कनेक्टेड मोशन तो मैं इसको फिजिक्स को भी इस तरीके से जोड़ सकता हूँ सो अकॉर्डिंग टू मी आर्ट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल सब्जेक्ट इट इज नॉट टू बी केप्ट इन अ पिजन होल विद दिस नोट थैंक यू एंड ओवर टू निशा मैम धन्यवाद सपन सर आप सभी को मेरा नमस्कार अदर सब्जेक्ट इज इंटीग्रेट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ हमारे पांचवें वेद के बारे में जैसा कि हम सभी को हमारे चारों वेदों के बारे में पता है किंतु आज मैं आप सभी को पंचम वेद से अवगत कराने जा रही हूँ इस वेद की रचना के पीछे एक छोटी सी कहानी है जब त्रेता युग शुरू हुआ था तब मानव समाज बहुत पीड़ित रहने लगा था तब देवराज इंद्र जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर मनोरंजन से युक्त कोई ऐसा साधन बताने के लिए कहा जिसमें देखने और सुनने के गुण सन्निहित हो ऐसा साधन समाज के समस्त वर्गों के हित के लिए उपयुक्त होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का स्मरण किया और ऋग्वेद से पाठ्य और कथा सामवेद से गाना यजुर्वेद से अभिनय अथर्ववेद से रस का चयन कर पंचवेद के रूप में नाट्य शास्त्र की सृष्टि की उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को नाट्य वेद की शिक्षा दी तथा उन्हें आज्ञा दी कि वह अपने 100 पुत्रों की सहायता से इसे प्रस्तुत करें उन्होंने इसमें नृत्य गीत इत्यादि के साथ अप्सराओं को भी सम्मिलित होने की अनुमति दी भरत मुनि ने सर्वप्रथम इस कला का प्रदर्शन इंद्रध्वज महोत्सव में किया जिसमें देवताओं द्वारा दैत्यों की हार दिखाई गई इससे दैत्य बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने देवताओं को सताना शुरू कर दिया तब स्वर्ग के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने रंगशाला का निर्माण किया जो नाट्य आदि देखने के लिए सुरक्षित स्थान था जिसे आजकल हम ऑडिटोरियम कहते हैं इस पर सबसे पहले अमृत मंथन नामक नाटक खेला गया तो इस तरह से हमारे पंचम वेद यानी कि जो हमारा पांचवा वेद है उसकी रचना हुई जिसका नाम है नाट्य शास्त्र नाट्य शास्त्र को पहले द्वादश साहित्य संहिता भी कहते थे क्योंकि इसमें 12,000 श्लोक थे परंतु इसका वर्तमान संस्करण 6,000 श्लोकों के आकार का है जिसे षट साहित्य संहिता कहते हैं और इसमें 37 अध्याय हैं तो इस तरह से हमारे पांचवें वेद की रचना हुई नृत्य कला के इतिहास का पता लगाना एक बहुत ही कठिन बात है क्योंकि प्राचीन ग्रंथ या अन्य कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है मानव जीवन के साथ साथ ये नृत्य का भी जन्म हुआ जैसे जैसे मनुष्य ने अपना विकास किया वैसे वैसे नृत्य कला विकसित होती गई मनुष्य की आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे ही नए आविष्कार होने लगे नृत्य को पहले सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था इसके अलावा स्त्रियों को भी नृत्य करने की इजाजत नहीं थी इसका उदाहरण पद्मश्री सितारा देवी जी हैं नृत्यांगना पद्मश्री सितारा देवी जी के पिता श्री सुखदेव महाराज जी ने अपनी लड़कियों को बनारस में नृत्य शिक्षा आरंभ कराई तब समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया वह अपने परिवार सहित कलकत्ता जाकर बस गए परंतु नृत्य नहीं छोड़ा आज देश के कोने कोने में सितारा देवी तथा उनके भांजे गोपी कृष्ण का नाम है अब परिवर्तन इतना आ चुका है कि सब शिक्षाविदों ने अनुभव किया कि अब हम आर्ट फॉर्म को सार्थक बना सकते हैं मैथमेटिक्स यानी गणित गणित में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जैसे एंगल शेप सिमेट्री इत्यादि गणित जिसका स्थान हमारे नृत्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं आप सभी को संदीप मलिक जी जो कि एक कथक आर्टिस्ट हैं के बारे में बताना चाहूंगी संदीप मलिक जी को जूनियर फेलोशिप मिली है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए
geometric analysis of basic movements and footwork used in Kathak. जैसे कि हमारे नृत्य की शुद्ध भाषा में कुछ हस्तकों को ऊर्ध्वकोना सुचिता, मध्यकोना सुचिता, तलकोना सुचिता कहा जाता है, लेकिन मैं इन एंगल्स को नृत्य की शुद्ध भाषा में ना बोलकर अगर विद्यार्थियों को 45 डिग्री एंगल बोलकर समझाती हूँ तब सभी विद्यार्थी बहुत ही आसानी से 45 डिग्री एंगल समझकर हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं। उसी तरह से जो अगले मूवमेंट्स हैं उनका नाम है मध्य हस्त चक्रा। 45 डिग्री एंगल की तरह ही शायद विद्यार्थी को मध्य हस्त चक्र समझने में परेशानी हो, परंतु अगर उन्हें 90 डिग्री एंगल में हाथों को खोलने के लिए कहा जाए तो वह बहुत ही आसानी से 90 डिग्री एंगल को समझकर उतना ही हाथों को खोलेंगे और उनको मूवमेंट्स को समझने में आसानी होगी। जैसा कि जिस तरह से स्वपन सर ने कंटेम्प्रेरी डांस में 180 डिग्री एंगल के बारे में बताया है, उसी तरह हमारे क्लासिकल डांस में भी राउंड्स, भ्रमरी, फेरी और चक्कर होते हैं जो हम दोनों हाथों को समान दूरी पर चक्कर लेने के लिए खोलते हैं। उसी प्रकार भ्रमरी में विद्यार्थी को 180 डिग्री एंगल को समझकर आसानी से वे राउंड्स ले पाते हैं। अब हमारा मैथ्स में ही गणित में अगली चीज आती है सिमिट्री। गणित में हम सिमिट्री के बारे में भी पढ़ते हैं। सिमिट्री का हमारे नृत्य में महत्वपूर्ण स्थान है। सिमिट्री में दो नर्तक बिल्कुल एक ही समय पर एक समान इस तरह मूव करते हैं जैसे कि एक ही व्यक्ति मूव कर रहा हो। दोनों डांसर्स एक साथ अपने शरीर को दोनों ओर से मूव करते हैं ताकि सिमिट्रिकल आकार बन सके। एक उचित स्पेस या दूरी रखकर वे एक दूसरे में संतुलन बनाए रखते हैं जिससे विजुअल सिमिट्री का आभास होता है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जब हम स्टेज पे 20 बच्चों को या 15 बच्चों को खड़ा करते हैं तो हम उनके बीच में एक समान दूरी रखकर उनको खड़ा करते हैं और नृत्य का प्रदर्शन करवाते हैं। उसी तरह से हमारा अगला जो मैथ्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं होती है वो है प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास। प्रैक्टिस गणित और अन्य विषयों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि नृत्य के लिए। अभ्यास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता आपको लगातार सुधार की ओर ले जाता है। प्रतिबद्धता और निरंतरता अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कठिन परिश्रम से आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जब हमारे स्कूलों में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है तो जो पहले दिन होता है जब हम उसमें नृत्य का प्रदर्शन करते हैं तब नृत्य इतना आकर्षक और सुंदर नहीं लगता, लेकिन वार्षिक उत्सव वाले दिन यानी कि एनुअल डे वाले दिन वही नृत्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। उसका एकमात्र सहारा अभ्यास ही होता है जिसकी वजह से वह सुंदर लगता है। जिस तरह से नृत्य में परफेक्शन की जरूरत होती है उसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैथ्स का हमारे नृत्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। लैंग्वेज, भाषा, आपसी संपर्क में संपर्क के लिए भाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यही वह साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। व्याकरण शब्दों के प्रकारों और शब्द समूहों को नाम प्रदान करता है जिनसे न केवल अंग्रेजी में बल्कि किसी भी भाषा में वाक्य बनाए जाते हैं। मनुष्य के रूप में हम यहाँ तक कि बच्चे भी वाक्य के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंतु यहाँ मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि डांस में भी व्याकरण उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, परंतु फिर भी नृत्य एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे समझने के लिए किसी भी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। इंग्लिश, हिंदी या अन्य भाषाओं को बोलने वाले भी नृत्य को भली भांति समझ सकते हैं। इसे आप सभी इस वीडियो के माध्यम से और भी भली भांति समझ पाएंगे। Thank you.
नृत्यांगना ने अपनी भाव भंगिमाओं, हस्त मुद्राओं, दृष्टि भेद आदि के माध्यम से इस पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में बता रही है, यानी कि इस वीडियो में जो नृत्यांगना है वो इस पैंडेमिक सिचुएशन से निकलने के लिए बता रही है कि किस तरह से दूरी बनाकर रखो और अपने हाथों को अच्छे से धो ताकि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन से निकल सके। थैंक यू सो मच अलका मैम। आगे बढ़ते हुए भाषा में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी आंखों का प्रयोग विभिन्न रूपों में करते हैं, जैसे गुस्से में, खुशी में, आसमान, धरती इत्यादि को दिखाने के लिए। परंतु इन सब देखने के अंदाज को भी हमारे नृत्य में अन्य नामों से जाना जाता है जो नृत्य की व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे दृष्टि भेद। हमारी 8 तरह की दृष्टि भेद होती है जिनके नाम है सम, आलोकित, सांची, प्रलोकित, निमृत, उल्लोकित, अनुकृत, अलोकित। इन सब का प्रयोग देवता की प्रतिमा को दिखाने के लिए, सभी वस्तुओं को दिखाने तथा याचना करने में, मूंछों को छूना, याद करना, बाण से निशाना लगाने के लिए, चलती हुई वस्तु दिखाने के लिए, मूर्खता प्रकट करने, विशेष प्रेम दर्शाने हेतु, नमस्कार, ध्यान, सूक्ष्म दृष्टि बताने के लिए, ऊंचाई तथा चांदनी रात आदि बताने के लिए, क्रोध दिखाने, विचार तथा नीचे की ओर दिखाने के लिए, इन सभी दृष्टि भेदों का नृत्य में प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि भेद को दिखाने का प्रयास करूंगी। दृष्टि भेद के अलावा के बाद अब मैं आपको एक विषय से और अवगत कराना चाहूंगी, इसका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का स्थान भी हमारे नृत्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। यद्यपि शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाओं में समय के साथ काफी परिवर्तन हुआ, परंतु लोक नृत्य वास्तव में आज भी उस भूमि से जुड़ा हुआ है जहां पर वह जन्मा था। नृत्य के माध्यम से न केवल ज्योग्राफी अपितु कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से समझा और याद किया जा सकता है। शायद हम सभी जानते हैं कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें याद करने में कठिनाई होती है, परंतु हम उस स्टेट का कोई भी डांस देखते हैं तो क्या होता है, वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। उसके लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगी, जैसे कि गरबा। गरबा नृत्य की वह शैली है जिसकी शुरुआत भारत में गुजरात राज्य में हुई। गुजरात में कच्छ का रण बहुत ही प्रसिद्ध है और दुनिया में सबसे बड़े नमक रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से भांगड़ा, यह एक जीवान लोक नृत्य है जो पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब जहाँ गेहूं की सुनहरी फसल लहलाती है। उसी तरह से घूमर, बीहू, काइकोटिकली एंड सांबलपुरी। सांबलपुरी भी पश्चिमी उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पश्चिमी उड़ीसा अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अब अंत में संदीप मलिक जी की तरह एक और जो कथक परफॉर्मर आर्टिस्ट हैं, मैं उनके बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ, जिनका नाम है नवीना जाफा, जिन्होंने लोक नृत्य में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है एक कथक आर्टिस्ट होने के बावजूद। नवीना जाफा एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता, विदुषी और प्रख्यात कला प्रदर्शक हैं। उन्होंने लद्दाख, सिक्किम, मध्य भारत, दक्षिण भारत, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत पूरे भारत में एकेडमिक टूर्स का आयोजन किया करवाया।
वर्तमान में यह एशियन हेरिटेज फाउंडेशन की मुख्य परामर्शदाता हैं और इंडियन कल्चर हेरिटेज रिसर्च की डायरेक्टर हैं। इनका काम दिल्ली की जनता के बीच एक हेरिटेज मूवमेंट प्रोग्राम चलाना है ताकि जनता में हेरिटेज के परिदृश्य को स्वच्छ बनाए रखने के प्रति जागरूकता पैदा हो। हाल ही में उन्हें CBSE भारत सरकार द्वारा हेरिटेज एजुकेशन पर एक विस्तृत वेबसाइट तैयार करने के लिए निमंत्रित किया गया और CBSE द्वारा ही 3 वर्ष के लिए हेरिटेज एजुकेशन के कोर्सेज की संयोजिका के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस तरह से हम सभी के लिए जरूरी है कि हम सभी अपने संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहें और उसे खोखला ना होने दें। धन्यवाद एंड ओवर टू मिस्टर प्रदीप पल्लवी सर। बहुत अच्छे नृत्य की सवार रही है और कविता मैम का, सपन सर का और निशा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने हमें दी, हमारे सभी दर्शकों को दी। और सपन सर ने कहा कि हमें डांस हर वक्त करते रहना चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी में डांस ही तो कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान हमने घर में रहकर डांस ही किया है। और किसी ने कहा है कि डांस करने का हुनर बचपन में ही सीख लो, डांस करने का हुनर बचपन में ही सीख लो, ये जिंदगी वक्त वे वक्त बहुत डांस कराती है। तो मैं आज की इस संगीत और नृत्य विभाग की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया जी का, उप प्रधानाचार्य महोदया जी का और इस शाखा के तमाम जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, वाइस प्रिंसिपल मैम हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस सभा में जुड़कर हम सबको सुना। और ख़ास करके हम अपनी प्रधानाचार्य महोदया जी श्रीमती आशा प्रभाकर जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके सहयोग के बिना हम सब ये नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमें एक नई दिशा दी, वरना अभी तक हम लोगों को सुनते और देखते हुए आ रहे थे। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने IT डिपार्टमेंट के अलका मैम, शीतल मैम का, हिंदी डिपार्टमेंट से कोमल मैडम और उमेश मैडम का, इंग्लिश डिपार्टमेंट से रचना सोंधी मैडम का, अंशुल सर का और हमारे स्पोर्ट्स सर दिनेश बिज सर का। जब शरीर और आत्मा का मिलन होता है, जब शरीर और आत्मा का मिलन होता है तब एक खूबसूरत नृत्य का सृजन होता है। नृत्य रूह में बसते हैं मेरे, नृत्य रूह में बसते हैं मेरे, अदाएं सीखी हैं मैंने कलियों से, मुद्राएं अनुभव को दर्शाती हैं, ओढ़ा है संगीत मैंने अपने तन पे, ये कोई बोली नहीं जो सिखाए सीखते हैं, ये कला दान है परमेश्वर की जो प्रार्थना और भक्ति से मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। I must compliment your department and the 3 dance teachers for putting up a wonderful presentation. The presentation definitely showcased that the integration of performing arts into the curriculum and making the curriculum flexible for the learning outcomes of a child, and definitely to make the curriculum more interesting by having a role of performing arts department. I would like to apprise you that now CBSE has given a flexibility of curriculum, and a student studying science or commerce can have music as a core subject, can have dance as a core subject, can have fine arts as a core subject. And as I always say, that anybody who has not studied humanities, anybody who has not studied literature, anybody who lacks interest in dance and music, that is performing arts and visual arts, is half educated. On this note, my compliments to the entire department for presenting a good webinar. And next is 3 of you will be presenting for CBSE. Since I play a very active role with CBSE COE workshops, all 3 join me in presenting as the COE experts for CBSE and other schools. On this note, thank you very much. Namaskar. Thank you very much. And I would like to listen from 3 of you that how has been your journey and how are you feeling now after presenting this webinar?
feeling good, and there comes a sense of achievement, and continue to do this. Nisha, you were wonderful. Swapan, your integration with physics, I wish all students could hear you. We will have a platform for the students also. And Kavita, your basic introduction, it was something worthwhile to listen and gain knowledge. Once again, thank you all. Thank good you night. So much, ma'am. God bless you. Ma'am, bahut seekhne ko bhi ma'am. Yeah, you have thank definitely you, added thank to your knowledge. So on this note, thank you very much and good night. Thank you so much, ma'am. Namaskar. Thank you, ma'am. Wonderful, ma'am.